हाउसवाइफ का एक 19 इयर्स के लड़के से अफेयर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, आज की हमारी मूवी ग्रीन चेयर जो एक कोरियन मूवी है इसमें हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और बिना इसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे दो मेन कैरेक्टर मुनही और सुयू ये अभी अभी इंटीमेट हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। मुनही ये एक हाउसवाइफ है और सुयू सिर्फ एक 19 इयर्स का एक लड़का। मुनही उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। सुयू कहता है मुझे एक बार एक लड़की के साथ अपॉर्चुनिटी मिली थी पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद हमें पता चलता है कि इनके रिलेशनशिप के बारे में पुलिस को पता चल गया था, ये इलीगल था तो इसी वजह से मुनही को जेल हो गए। अब थोड़े दिन गुजर चुके हैं और मुनही की सज़ा कंप्लीट हो चुकी है, बाहर निकलने के बाद भी उसे कुछ कम्युनिटी अवर्स करने पड़ेंगे। मुनही और पुलिस की जब बात होती है तो हमें पता चलता है मुनही के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है, उसकी मदर भी अब एक अलग कंट्री में रहती है। मुनही जब जेल से बाहर आई तो उसके आसपास बहुत सारे रिपोर्टर थे, उसे पूछ रहे थे कि अब तुम क्या करोगी, क्या तुम फिर से ह्यून के पास जाओगी। इस सब से वो ओवरवेल्म हो चुकी थी तभी उसके पास ह्यून आया। ह्यून ने अपना उसे जैकेट पहनाया, उसे हक कर वहाँ से वो लेकर जाता है। ह्यून मुनी से कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या सब कुछ ठीक है। मुनी कहती कि हाँ सब कुछ अब ठीक है। मुनी ह्यून से पूछती है क्या सिर्फ पैसों के लिए तुमने हम दोनों की रिलेशनशिप को सेल कर दिया। इसका मतलब है जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो इसके उन्होंने टेप बनाई थी, ये किसी के हाथ लग गए और इन्हें जेल जाना पड़ा। ह्यून कहता है कि ऐसा नहीं है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें इंस्पेक्टर ह्यून को डील देता है, कहता है कि अगर तुमने सब इल्ज़ाम मुनही पर लगा दिया तो उसे बहुत बड़ी जेल हो जाएगी, हम तुम पर कुछ भी चार्ज नहीं लगाएंगे। ये डील ह्यून ने नहीं ली थी, इस डील को ह्यून ने इग्नोर कर दिया था। मुनही कहती है कि अब तुम घर चले जाओ, मेरे साथ रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ह्यून कहता है कि मुझे यही रुकना है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। उसने आगे चलकर गाड़ी रोक दी क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। वो मुनही को गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। इसके बाद ये बहुत ही हंगरी थे तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए। मुनही कहती है कि अगर तुम अब मेरे साथ रहना चाहते हो, शायद अगर हमने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी किया तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ फ्यूचर है जो तुम्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा। ह्यून कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। मुनही 32 ईयर्स की है और ह्यून 19 का, इससे उसे ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों यहाँ नोटिस करते हैं कि एक रिपोर्टर इनका फोटो ले रहा था। ह्यून जाकर उस रिपोर्टर को कन्फ्रंट करता है, कहता है सोसाइटी सेक्स को लेकर बहुत ही हिपोक्रिटिकल है, आप दोनों आपकी रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हो ये मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अगर तुम दोनों चाहो तो हम इसे नॉवेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, ये रिपोर्टर उनका पीछा ना करे इसके लिए उसे बांध कर वहाँ से वो चले जाते हैं। मुनही गाड़ी में ह्यून से कहती है कि हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती थी, मुझे जेल में टॉर्चर किया जाता था, हम दोनों साथ होंगे ये सोच कर मैं हमेशा वो सहन कर लेती थी। इसके बाद ये दोनों एक मोटेल में आए और वहाँ इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होते वक्त ही उन्हीं को लगा कि उन्हें कोई टेप कर रहा है, शायद इस रूम में कोई हिडन कैमरा होगा, लास्ट टाइम कैमरे की वजह से सब कुछ ट्रबल हुआ था तो इस वजह से वो डिस्टर्ब्ड है। ह्यून फिर पूरे कमरे को चेक करता है, कैमरा उसे कहीं भी नहीं मिलता। ये जब डिनर करते हैं तो ह्यून बहुत ही मजे से खा रहा था। मुनही कहती है मुझे तुम्हारे लिए कुक करना बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद जब ये इंटीमेट होते हैं तो मुनही को ह्यून बहुत ही अजीब सा लगता है, उसे लगता है कि ह्यून बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ है, वो इस चीज़ को लेकर उसे कन्फ्रंट करती है। इस पर उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया। मुनही फिर उसके एक फ्रेंड जिसका नाम है सुजिन इसे कॉल लगाती है, अब वो उसके साथ जाकर ही रहने वाली है। मुनही ह्यून से कहती है कि हमारी जो भी रिलेशनशिप थी ये बहुत ही गलत है, हमने जो भी किया इसे एक सपना समझकर अब तुम भुला दो, हम दोनों का एक साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। ह्यून उसे कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। मुनही उसे फाइनली कहती है कि मुझे अब तुम भुला देना, तुम किसी अच्छी लड़की से मिलोगे, उसे शायद मेरे बारे में बताना भी मत।
इसके बाद मुनी अपने फ्रेंड के पास आए। उसकी फ्रेंड का नाम है सुजिन। सुजिन का भी अभी अभी डिवोर्स हुआ है। यहाँ आने पर मुनी ह्यून को मिस कर रही थी। उसे कॉल कर पूछती है, क्या तुम सही से पहुंच गए? ह्यून कहता है कि हाँ। ह्यून अभी भी फोन पर उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। मुनी कहती है कि अगर तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते थे तो मुझे रोक लेते, मुझे गाड़ी में बंद कर देते। वो भी अब रिग्रेट कर रही है कि वो ह्यून को छोड़कर चली आई। ये फोन पर उससे बात ही कर रही थी तभी ह्यून वहाँ पहुँच गया। ये उसे देखकर बहुत ही खुश है। इसके बाद ये सब मिलकर अच्छा सा डिनर वगैरह करते हैं। जब मुन्ही और सुजिन अकेले थे तो सुजिन मुन्ही से पूछती है ह्यून के साथ होना कैसा है। मुन्ही कहती है कि उसके साथ मुझे बहुत ही अलग लगता है, ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही अच्छा है। मुन्ही को अपने कम्युनिटी अवर्स कम्प्लीट करने हैं तो यहाँ के एक हॉस्पिटल में वो जॉब लेती है। यहाँ पर एल्डरली लोगों की उसे केयर लेनी पड़ेगी। इसमें एक ओल्ड वूमन है जो कंट्रोल में नहीं आती। वो तभी शांत होती है जब उसे एक गाना सुनाया जाता है। मुन्ही अपनी कलीग से कहती है क्यों ना हम ये गाना रिकॉर्ड कर ले, जिससे वो हमेशा ये गाना सुनती रहेगी। कलीग कहती है वो उसे पसंद नहीं है, उसे लाइव गाना सुनना अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यून मुन्ही को घर ले जा रहा है। वो गाड़ी में कहता है कि आज मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा है। हम दोनों की रिलेशनशिप में मैं तुम्हें एज ए ह्यूमन प्यार करता हूँ। गलती तो हम दोनों ने की थी और सिर्फ तुम्हें जेल में जाना पड़ा। यह सब उसे बहुत ही गलत लगता है। अब 10 डेज में ह्यून एक लीगल एज का हो जाएगा। इसके बाद मुन्ही और ह्यून एक साथ रह सकते हैं। इन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। ह्यून को हमेशा एक अनोनिमस नंबर से कॉल आता रहता है। ये कौन कॉल कर रहा है उसे पता नहीं है। मुन्ही कहती है कि शायद किसी को तुम पर क्रश है। ह्यून इससे डिस्टर्ब हो गया था तो अपना मोबाइल फेंक देता है। मुन्ही उसे गाड़ी स्टॉप करने के लिए कहती है। जल्दी से जाकर वो मोबाइल वो लेकर आती है। कहती है शायद तुम्हारे मदर फादर का तुम्हें कॉल आएगा, ऐसा तुम कॉन्टैक्ट मत तोड़ो। सुजिन एक स्कल्पचर है। मुन्ही उसे हेल्प कर रही थी तो उसे बात करती है। कहती है कि एक ना एक दिन ह्यून मुझ में इंटरेस्ट खो देगा। इसके बाद वो कैसे जिएगी ये उसे पता नहीं है। सुजिन कहती है ये सब बातों के बारे में मत सोचो, तुम हमेशा एक साथ रहोगे। रात में मुन्ही को सपना आता है। ह्यून और उसकी फ्रेंड सुजिन ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए हैं। इस सपने से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। रात में जब ह्यून और मुन्ही इंटीमेट होते हैं तो ह्यून उसे आई लव यू कहता है। इसके बाद मुन्ही उसे कहती है कि जब तुमने मुझे आई लव यू कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए था। वो ह्यून के साथ ज़्यादा कुछ भी फील नहीं कर पा रहे। ह्यून सुजिन और मुन्ही एक साथ अच्छे से रह रहे हैं। ह्यून कभी कभी इन दोनों के लिए अच्छा सा लंच भी बनाता है। मुन्ही के हॉस्पिटल में जो ओल्ड लेडी सिर्फ गाना सुनकर एंजॉय करती है उसे गाना सुनाने के लिए एक दिन ह्यून भी आता है। मुन्ही एक पेशेंट को नहला रहे थे तो उस पेशेंट ने मुन्ही पर ही अटैक कर दिया। ह्यून मुन्ही को वहाँ से बचा लेता है। इस इंसिडेंट से वो डिस्टर्ब हो गई थी तो ह्यून कहता है कि चलो आज हम बाहर डिनर करते हैं। ये जब दोनों पब्लिक में थे तो ह्यून चाहता है कि मुन्ही उसका हाथ पकड़े। मुन्ही फिर अपना आउटफिट चेंज कर लेती है। वो कुछ ऐसे कपड़े पहनती है जिससे वो यंग लगे। डिनर पर ह्यून उसे कहता है जैसे तुम हो वैसे ही मुझे पसंद हो, मेरे सामने इस तरह से तुम यंग बनने की कोशिश मत किया करो। ह्यून कहती है कि जब भी तुम मुझसे बात करते हो तो बहुत ही पोलाइट होते हो, तुम मुझसे एज अ फ्रेंड बात किया करो। मुन्ही को बुरा लगता है, इनके बीच में जो भी हुआ इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। उसे लगता है कि उसने ह्यून को सीड्यूस किया था। उसे सॉरी कहती है। ह्यून कहता है कि तुम मुझे कभी भी सॉरी मत बोला करो, तुम्हारे सब सॉरीज को आई लव यू से तुम रिप्लेस कर दो। इसके बाद ये दोनों अपना मूड चेंज करने के लिए एक जगह डांसिंग के लिए आए। यहाँ पर वो फिर से उसी प्रीवियस के रिपोर्टर को नोटिस करते जो उनकी स्टोरी लिखना चाहता था। फिर से इन दोनों ने मिलकर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद ये दोनों एक बार में आते हैं। ह्यून मुन्ही से कहता है तुम मुझे कितना तंग करते हो, मुझे सारे होटल में कैमराज तुमने ढूंढने के लिए कहे थे, मेरी पेंटिंग बनाते वक्त 3 घंटे मुझे खड़ा होना पड़ा, मुझ पर तुमने शक भी किया था, ये सब तुम क्यों करती हो। यहाँ पर वो नाटक कर रहा था कि वो बहुत ही ड्रंक है। मुन्ही उसे सॉरी कहती है पर ह्यून उसे याद दिलाता है कि सॉरी को तुम्हें आई लव यू से रिप्लेस करना है। अचानक से मुन्ही को हॉस्पिटल से कॉल आया। जिस ओल्ड वुमन को गाने की आवाज़ सुनने के बाद ही अच्छा लगता है उसे बिना सुलाए वो हॉस्पिटल से चली गई थी।
ये ओल्ड वुमन बाहर चली गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। मुन्ही को हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत डांटता है, उसे बहुत ही बुरा लगा। इसी ओल्ड वुमन की पिल्स उसने बहुत सारी खा ली, ये नींद की दवाई थी तो 2-3 दिनों तक वो उठी ही नहीं। ह्यून उसके लिए वरी करने लग गया था। मुन्ही को फिर से सपना आता है कि उसकी फ्रेंड और ह्यून ये दोनों इंटीमेट हो गए हैं, तो इसी वजह से डिस्टर्ब होकर वो जाग जाती है। ह्यून उसे सही से सहारा देता है। सुजिन को फिर एक आइडिया आता है, ह्यून का एक बर्थडे है तो उसके पेरेंट्स मुन्ही की मदर इन सबको बुला सकते हैं, जो भी सिचुएशन है ये सब हैंडल कर सकते हैं। ये आइडिया उन्हें अच्छा लगता है। इसके बाद डायरेक्टली हमें बर्थडे दिखाया जाता है। यहाँ पर ह्यून के पेरेंट्स, मुन्ही की मदर, उसका एक्स हस्बैंड और कुछ लोग हैं। ह्यून को जो लड़की हमेशा कॉल करती रहती थी, मुन्ही ने उसे भी कन्फ्रंट करने के लिए बुला लिया है। इस पार्टी में भी उसके पीछे ही पड़ गई थी। इस पार्टी में मुन्ही का एक्स हस्बैंड बहुत ही गुस्सा था। ह्यून मुन्ही को ये बात बताता है। मुन्ही कहती है, हम दोनों की रिलेशनशिप हमेशा बहुत ही घटिया थी, उसने मुझ पर चीट किया था। इसके बाद मुन्ही की मदर बात करती है, कहती है कि मुन्ही की वजह से लोग मुझ पर भी शक करने लग गए थे, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने लग गए थे। मुन्ही की मदर को लगता है उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत है, उसे जेल जाना चाहिए। ह्यून सबसे कहता है कि मैं अच्छा सा स्टडी करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। ह्यून की मदर भी उसे सपोर्ट कर रही है। उसे लगता है कि ह्यून जो भी डिसीजन लेगा वो सही ही लेगा, क्योंकि आजकल ह्यून बहुत ही खुश है। ह्यून के फादर को ये सब चीज़ें गलत लगती है। उन्हें लगता है ह्यून को अपनी स्टडीज में फोकस करना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है। जो लड़की ह्यून को लाइक करती है, उसे लगता है कि मुन्ही ने ह्यून को फंसाया था। वो ह्यून से डायरेक्टली बात करती है, कहती है तुम्हारी जो भी नीड है वो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। इसके बाद इस पार्टी से शांति पाने के लिए ह्यून और मुन्ही बाहर आ गए। इनके पास मुन्ही का हस्बैंड भी आता है। वो मुन्ही पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वो ह्यून से कहता है तुम्हें हमेशा इसके साथ बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, तुम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुन्ही कहती है तुमने कभी भी मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, हमेशा मुझ पर तुम चीट करते आ रहे हो। उसका हस्बैंड उस पर बहुत ही गुस्सा हो गया था, उसे मारने वाला था, पर ह्यून मुन्ही को बचा लेता है। हस्बैंड और ह्यून में बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। इसके बाद ये पार्टी इन दोनों के लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग हो चुकी थी। ये सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, म्यूजिक लगाकर अच्छा सा डांस करते हैं। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। अब मूवी में थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। मुन्ही ने अब डिसाइड कर लिया है ह्यून के लाइफ में रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है, अब उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जा चुकी है। ह्यून को भी किसी अलग लड़की के साथ हम देख सकते हैं। इनकी जो रिलेशनशिप थी, इस रिलेशनशिप के डायनामिक्स पर ये मूवी बहुत सारे क्वेश्चन उठाती है। अलग अलग थिंकिंग से सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाती है। फाइनली मुन्ही को ये सब चीज़ गलत लगी और उसने ह्यून को छोड़ दिया। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।